हेलो दोस्तों, कल हम लोगों ने अतीत काल में किस प्रकार से हम छोटी छोटी क्रियाओं शब्दों की सहायता से तेलुगु भाषा में हम बातें करते हैं वो हम लोगों ने सीखा था। लेकिन दोस्तों, आज हम लोग वर्तमान काल में किस रूप में उन अतीत काल के शब्दों और वाक्यों को हम संबोधन करते हैं, बातें करते हैं, वो आज हम सीखने जाएंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों से बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों, तभी आप अच्छी तरह से तेलुगु बोल पाएंगे और समझ पाएंगे, क्योंकि मैं हर शब्दों को अच्छे से अर्थ भी बताता हूँ और उसको समझाता भी हूँ। उसीलिए मैं चाहता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें और आपको कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको किस विषय में आपको जानना है या आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा आपके लिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, और देर नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मैं गाड़ रहा हूँ, मैं गाड़ रहा हूँ। नेनु पातु तुन्नानु, नेनु पातु तुन्नानु, पातु तुन्नानु। मैं गाड़ रहा हूँ, नेनु पातु तुन्नानु। मैं नेनु गाड़ रहा हूँ, पातु तुन्नानु, नेनु पातु तुन्नानु। मैं मिला रहा हूँ, मैं मिला रहा हूँ। नेनु कलुपुतुन्नानु, नेनु कलुपुतुन्नानु। मैं नेनु मिला रहा हूँ, कलुपुतुन्नानु, नेनु कलुपुतुन्नानु, मैं मिला रहा हूँ। मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। नेनु स्वीकरिस्तुन्नानु, नेनु स्वीकरिस्तुन्नानु, स्वीकरिस्तुन्नानु। मैं नेनु स्वीकार कर रहा हूँ, स्वीकरिस्तुन्नानु, नेनु स्वीकरिस्तुन्नानु। दोस्तों, इसका जो अतीत काल में मैंने जो वीडियो बनाया है उसको मैं मेरे इंड स्क्रीन में और आई बटन में दूंगा दोस्तों, आप उसे देखिएगा जरूर और सीखने का प्रयास कीजिएगा और अपने कॉपी में लिखिएगा दोस्तों, मैं किस प्रकार से अतीत काल में कैसे वाक्य बनाया था, फिर उन्हीं वाक्यों को मैं वर्तमान काल में किस रूप से मैं बदल कर बता रहा हूँ। आप उन वाक्यों को ध्यान से देखिएगा और अभ्यास जरूर कीजिएगा। मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। नेनु इस्तुन्नानु, मैं दे रहा हूँ। नेनु मैं दे रहा हूँ, इस्तुन्नानु, मैं दे रहा हूँ, नेनु इस्तुन्नानु। आप ले रहे हैं, आप ले रहे हैं। मीरु तीसुकुंटुन्नारु, मीरु तीसुकुंटुन्नारु। आप मीरु ले रहे हैं, తీసుకుంటున్నారు, లే రహే హే, తీసుకుంటున్నారు। హం భరోసా కర్ రహే హే, హం భరోసా కర్ రహే హే। మేము నమ్ముతున్నాము, మేము, హం భరోసా కర్ రహే హే, నమ్ముతున్నాము, మేము నమ్ముతున్నాము, మేము నమ్ముతున్నాము, నమ్ముతున్నాము, नम्मु तुन्नामु, भरोसा कर रहे हैं। हम बुला रहे हैं, हम बुला रहे हैं। मेमु पिलुस्तुन्नामु, मेमु पिलुस्तुन्नामु, मेमु पिलुस्तुन्नामु। हम मेमु बुला रहे हैं, पिलुस्तुन्नामु, मेमु पिलुस्तुन्नामु, हम बुला रहे हैं। दोस्तों, मैं जिस प्रकार से संबोधन कर रहा हूँ, जिस प्रकार से मैं शब्दों का उच्चारण कर रहा हूँ, आप उन्हें ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उसी के लिए मैं एक ही शब्द को 4 से 5 बार बोलता हूँ, आप जानेंगे और इन शब्दों का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे बोलकर, ठीक है ना दोस्तों। उसीलिए मैं जैसे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सीखने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको 100% गारंटी बोलता हूँ, आप मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा और बोलने के लिए भी प्रयास कीजिए दोस्तों, आप बहुत जल्दी तेलुगु सीख जाएंगे और मुझे कमेंट में भी तेलुगु में भी देंगे। मैं निगल रहा हूं, मैं निगल रहा हूं।
నేను మింగుతున్నాను నేను మింగుతున్నాను నేను మే మింగుతున్నాను నిగల్ రహా హూ నేను మింగుతున్నాను మే నిగల్ రహా హూ నేను మింగుతున్నాను మే మసల్ రహా హూ మే మసల్ రహా హూ నేను నలుపుతున్నాను నలుపుతున్నాను నేను నలుపుతున్నాను మే మసల్ రహా హూ మే మసల్ రహా హూ నేను నలుపుతున్నాను హం ఖుదాయి కర్ రహే హై హం ఖుదాయి కర్ రహే హై ఖుదాయి కర్ రహే హై హం మేము తవ్వుతున్నాము మేము తవ్వుతున్నాము మేము తవ్వుతున్నాము తవ్వుతున్నాము తవ్వటం खोदना या खुदाई, जो खुदाई होता है ना दोस्त को, उसको हम तवटम बोलते हैं। खुदाई करना तवटम। हम खुदाई कर रहे हैं। मेमु तवुतनामु। मेमु हम खुदाई कर रहे हैं। तवुतनामु। हम काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं। मेमु पनी चेस्तुनामु। मेमु हम पनी चेस्तुन्नामु हम मेमु काम कर रहे हैं काम पनी कर रहे हैं चेस्तुन्नामु हम काम कर रहे हैं मेमु पनी चेस्तुन्नामु मेमु पनी चेस्तुन्नामु आप मेरे ऊपर क्यों शक कर रहे हैं आप मेरे ऊपर क्यों शक कर रहे हैं मेरु नापै एंदुकु अनुमानिस्तुन्नारु मेरु नापै एंदुकु अनुमानिस्तुन्नारु आप मेरे ऊपर मेरु नापै क्यों एंदुकु शक कर रहे हैं अनुमानिस्तुन्नारु मेरु नापै एंदुकु अनुमानिस्तुन्नारु आप मेरे ऊपर क्यों शक कर रहे हैं मेरु नापै एंदुकु अनुमानिस्तुन्नारु मम्मी मुझे खूब मार रही हैं मम्मी मुझे खूब मार रही हैं अम्मा नन्नु चाला कोडुतोंदी अम्मा नन्नु चाला कोडुतोंदी अम्मा नन्नु चाला कोडुतोंदी मम्मी अम्मा दोस्तों हम तेलुगु में अम्मा बुलाते हैं दोस्तों कहां कहां पर तो मम्मी भी बुलाते हैं लेकिन हम अपने मम्मी को जो माँ होती हैं उन्हें हम प्यार से अम्मा ही बुलाते हैं तुम मुझे क्यों बुला रहे हो तुम मुझे क्यों बुला रहे हो नुव्वु नन्नु एंदुकु पिलुस्तुन्नावु नुव्वु नन्नु एंदुकु पिलुस्तुन्नावु तुम मुझे क्यों बुला रहे हो నువ్వు నన్ను ఎందుకు పిలుస్తున్నావు తుమ్ నువ్వు ముజే నన్ను క్యూ ఎందుకు బులా రహే హో పిలుస్తున్నావు బులా రహే హో యా బులా రహా హై పిలుస్తున్నావు నువ్వు నన్ను ఎందుకు పిలుస్తున్నావు తుమ్ ముజే బేకార్ మే మార్ ఖిలా రహే హో తుమ్ ముజే बेकार में मार खिला रहे हो नुव्वु नन्नु अनवसरंगा दब्बलु तिनिपिस्तुन्नावु नुव्वु नन्नु अनवसरंगा दब्बलु दब्बलु तिनिपिस्तुन्नावु नुव्वु नन्नु अनवसरंगा दब्बलु तिनिपिस्तुन्नावु आप मुझे गाली दे रहे हैं आप मुझे गाली दे रहे हैं मेरु नन्नु तिड़तुन्नारु मेरु नन्नु तिड़तुन्नारु आप मुझे गाली दे रहे हैं आप मेरु मुझे नन्नु गाली दे रहे हैं गाली दे रहे हैं तिड़तुन्नारु मेरु नन्नु तिड़तुन्नारु
आप मुझे गाली दे रहे हैं। दोस्तों आज आप लोगों ने देखा कि मैंने किस प्रकार से अतीत काल को वर्तमान काल में थोड़ा रूपांतर करके आपको मैंने किस प्रकार से बताया सिखाया है। आपको कैसे लगा दोस्तों मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए और आप क्या सीखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे जब समय मिलेगा ना दोस्तों, मैं आपके लिए जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जिस विषय में ज्यादा कमेंट आएंगे ना दोस्तों, मैं उसी पर ही ज्यादा वीडियो बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा दोस्तों। क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत सोचना है, आपको मुझे समझाना है ना दोस्तों, उसलिए मुझे थोड़ा समय भी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अभी मुझे आप लोगों से विदा लेने का समय हो चुका है। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेकिन हाँ दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो में नए नए आए हैं प्लीज आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे मेरा पहला नोटिफिकेशन सुबह सुबह आपके मोबाइल के स्क्रीन पर आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।